नमस्ते, हेलो, कोनिचवा। जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूं कि मैं हूं अभी इंडिया की कैपिटल दिल्ली में, और अभी मैं घूम रहा हूं तुगलकाबाद के किले में। ये आज है हमारा दूसरा दिन। घूम तो मैं कल से ही रहा हूं, पर बाकी का पार्ट मैं आज सेकंड पार्ट आज अपलोड कर रहा हूं। तो अगर पीछे का भी आप यहाँ की ब्लॉग देखना चाहते हैं तो कल का ब्लॉग जाके देख सकते हैं, और जो नए लोग हैं वो तो कंटिन्यू बने हुए हैं यहाँ पर। किले का ये वाला किनारा कल हम घूम चुके थे, और ये किला बनाया था ग्यासुद्दीन तुगलक ने 1321 में। और आज हम घूमेंगे किले का उत्तरी भाग। बंदर को देखो कितने आराम से बैठ करके देख रहा है। यहाँ से जो व्यू आपको मिल रहे हैं उसी व्यू का आनंद ले रहा है ये भी यहाँ से बैठ करके। बहुत गहराई है यहाँ से। ये किला है दिल्ली में मेहरौली बदरपुर रोड पर, बिल्कुल ऑन रोड। इसका एक भाग है लेफ्ट साइड में और एक भाग है राइट साइड में, किसी भी साइड से आप आएँ तो। ये दो भागों में बटा हुआ है दिल्ली बदरपुर मेहरौली रोड पर। और यहाँ पे आने के लिए आपको यहाँ पे एंट्री टिकट लगती है, जो कि है 25 रुपये अगर आप कैश देते हैं तो, और अगर ऑनलाइन बुक करते हैं तो आपको टिकट मिल जाएगी 20 रुपये में। और अगर आप विदेशी हैं, कहीं बाहर देश से आ रहे हैं, तो आपको देने पड़ेंगे 250 रुपये ऑनलाइन और 300 रुपये अगर आप कैश में टिकट लेते हैं तो। अब जो आज नए लोग जुड़े हैं मेरे ब्लॉग में तो उनको ये बताना तो बनता ही है। आप लोग तो पुराने दर्शक हो तो ये इन्फॉर्मेशन आपको पता होगी, मुझे पता है, पर सबका ख्याल रखना पड़ता है, इसलिए हर दिन ये चीज़ें बतानी पड़ती है कि रोज़ कोई ना कोई नया जुड़ता है हमारे संग, मेरे साथ और आप लोगों के साथ भी। ये एक थोड़ी सी ना फैमिली बन जाती है। मैंने देखा है कि कुछ लोग होते हैं जिनका स्वाद होता है एक जैसा होता है, कि उनकी जो पसंद है वो दूसरे से मिलती जुलती है, तो उसी तरीके का एक ग्रुप बन जाता है। तो यही होते हैं सब्सक्राइबर, ठीक है ना। और ये है किले का मेन एंट्री गेट, जहाँ से एंट्री होती है। पीछे वाला एरिया हम घूम चुके हैं जो कि था किले का दक्षिणी भाग। अब जा रहे हैं हम उत्तर भाग की तरफ। ये बगल में टॉयलेट बाथरूम की भी व्यवस्था है। ये हिस्टोरिकल नहीं है, ये अभी जल्दी बनाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। तो अभी ये व्यवस्था पानी की यहाँ पे नहीं है, पानी की व्यवस्था की जा रही है, केवल स्ट्रक्चर बनाया गया है। और उत्तरी दिशा में ज़्यादा कुछ यहाँ के गार्ड मुझे बताया है कि देखने के लिए है नहीं कुछ, केवल ये चार दीवारी बनी हुई है। अगर आप यहाँ घूमने के लिए आ रहे हो तो जिस जगह हम कल घूमे थे किले के दक्षिणी भाग में, ज़्यादातर एरिया वहाँ पे है घूमने के लिए। जो शहर बसा था, कमरे बनाए गए थे, वहाँ पे ज़्यादा है। और यहाँ ये देख के आप समझ ही जा रहे होगे कि इस जगह पे ज़्यादा देखने को आपको कुछ मिलेगा नहीं। हाँ, पार्क में घूमना आपको पसंद है तो इस जगह आकर के आप ऐसे वॉक कर सकते हो जैसे मैं कर रहा हूँ। ये सब कभी हॉल हुआ करते थे जिनकी छतें टूट गई हैं, क्योंकि आगे पीछे दीवार दिख रही हैं। और इन दीवारों में एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, जिन लोगों ने पहले मेरे ब्लॉग नहीं देखे। ये जो होल बने हुए हैं, यहाँ से जो सिपाही सुरक्षा में खड़े हुआ करते थे वो अपने बंदूक धनुष बाण यहाँ से चलाया करते थे अगर कोई शत्रु आक्रमण कर देता था तो। थोड़ा पास से दिखाता हूँ आपको कि वहाँ से बाहर का दृश्य कैसा दिखता था। ये देखो, यहाँ से तो खैर वो दीवार टूट गई है, और मेन रोड
मेहरौली बदरपुर का रोड यहाँ से दिख रहा है। मैं दिखाने आया हूँ आपको ये सुरक्षा के लिए जो सिपाही यहाँ खड़े होते थे, यहाँ से उनको बाहर देखने को मिलता था और यहीं से गोली बंदूकों का इस्तेमाल हुआ करता था, तोप का इस्तेमाल हुआ करता था, जो भी उस टाइम पे सुरक्षा के लिए उपकरण यूज़ हुआ करते थे वो सब। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। यहाँ पर इसी तरीके से कुछ दिखाने को मिल जाए क्या पता आपको, क्योंकि मैंने बताया ना किला तो बहुत बड़ा है, पर किले में दीवारों के अलावा तो आज की डेट में कुछ बचा नहीं है क्योंकि खंडहर हो चुका है। पर फिर भी इन जगहों को देख के, जैसे मैंने कल दिखाया था आपको अंडरग्राउंड एक सुरंग जिसके अंदर कुछ 24 कमरे बने हुए थे, तो ऐसी जगहों पे जाके उनको फील किया जा सकता है। तो ऐसा कुछ यहाँ पे भी है कि नहीं है वो चलते हैं देखते हैं। कोई स्पेशल रास्ता नहीं है कहीं आने जाने के लिए, ये ऐसी पगडंडी बनी हुई है, इसी में से आपको चलते हुए जाना है। मेन रास्ता तो वो था गेट में एंटर करते ही राइट और लेफ्ट, जैसे कि आपने देखा ही था, पर इस जगह पे अभी जहाँ पे मैं आपको घुमा रहा हूँ यहाँ ऐसी कोई रास्ते की व्यवस्था नहीं है। तो जैसे रास्ते में मैं चल रहा हूँ वैसे आपको यहाँ पर जब आप आएंगे तो घूमने को मिलेगा यहाँ पर इन्हीं रास्तों में। और ये दीवारें बनी हुई हैं जो कि ये भी बहुत बड़े एक हॉल हुआ करते थे कभी, इनके गेट को देख के तो ऐसा ही लग रहा है। ये वो जगह है जहाँ पे हम कल घूमे थे किले का दक्षिणी भाग। ज़्यादातर किलों में मैंने देखा है कि दरगाह वगैरह हुआ करती थी, इबादतगाह मस्जिद होती थी जहाँ पे कि इबादत किया जाता था। ये मुझे कुछ उसी तरीके का लग रहा है क्योंकि इतने बड़े हॉल किसी मस्जिद से ही होते थे। अब इसके अंदर जाने के लिए तो यहाँ कहीं से रास्ता दिख नहीं रहा और इन झाड़ियों में घुस के जाना तो ठीक है नहीं, क्योंकि हर चीज़ की एक लिमिट होती है, तो वो लिमिट यहाँ पे ख़त्म होती है। झाड़ियों में जाने का क्या फ़ायदा है, मालूम पड़ा ये व्लॉग आखिरी व्लॉग हो गया, बाकी जगह आप देख नहीं पाए, फिर तो रिस्क लेना ज़्यादा बेकार है। तो बाहर बाहर से मैं आपको ये किले की दीवारें दिखा दे रहा हूँ और इनको आप देख के समझ सकते हो कि क्या रहा होगा उस टाइम पे। ये ऐसे कमरे होते थे अंदर आने के बाद। यहाँ पे इतनी जगह है कि यहाँ पे आप आराम से आ सकते हैं घूमने के लिए। ये लग रहा है एक यहाँ पे थोड़ा पानी की व्यवस्था रहती होगी कभी। और इसके ही बगल में एक ये जगह है, ये भी एक बहुत बड़ा हॉल था
तो जहाँ तक मैंने आपको बताया है, सही बताया है कि ये कभी मस्जिद हुआ करती थी यहाँ पर। अब यहाँ से चलते हैं वापस बाहर, क्योंकि आगे ज़्यादा देखने के लिए कुछ है नहीं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बाउंड्री वहाँ पे ख़त्म हो जाती है एंड में। और अभी हमें चलना है रोड के किनारे दूसरी तरफ में, जो किला बना हुआ है उसमें भी, तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी देख लेंगे तो ठीक रहेगा, ना तो आज का ही ब्लॉग हो सकता है, मालूम पड़ा कहीं अगले शनिवार पे पहुंच गया है कि नहीं। पर जगह है दिखाने वाली, तभी टाइम बढ़ रहा है, ऐसे तो फालतू में कैमरा घूम नहीं रहा है यहाँ वहाँ, है कि नहीं। आपको भी बैठे बैठे यहाँ की सारी लोकेशन देखने को मिल रही है। एक अच्छी बात हो गई कि बारिश नहीं हुई आज, क्योंकि अगर बारिश हो जाती ना फिर यहाँ पे घूमना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल काम था, क्योंकि इतनी हरी भरी जगहों पे बारिश में एक पौधों में भी बहुत पानी पानी हो जाता है और मिट्टी तो आप समझ ही रहे हो कीचड़ बन जाती है। तो मौसम बहुत अच्छा है मेरे ख्याल से, यहाँ पे घूमने आने के लिए बेस्ट वेदर है कि आप आओ अक्टूबर और नवंबर में, तो आप घूम सकते हो दिन के टाइम में। और ये जगह जो ओपन रहती है सवेरे सूर्योदय से लेके शाम को सूर्यास्त तक, इसका टाइम ऐसा लिखा गया है, कोई ऐसा नहीं है कि इतने में से इतने में तक। सर्दियों का टाइम है, गर्मियों का टाइम है, जब से सूर्योदय होगा तब से लेके सूर्यास्त तक आप कभी भी यहाँ पर आ सकते हो। और एक बहुत सुंदर सा पुराना पेड़, इसने बैठने के लिए भी व्यवस्था कर दी है यहाँ पर लोगों के लिए। और ये पेड़ है शमी का, इसके पत्तों से भगवान शिव की पूजा की जाती है। इस साइड में ज़्यादा देखने को कुछ मिल नहीं रहा है, किले की बाउंड्री बहुत दूर है अभी भी, तो मैं सोच रहा हूँ अभी जो रोड की दूसरी तरफ किला बना हुआ है वहाँ चला जाए और वहाँ देखते हैं क्या क्या है देखने के लिए। इस जगह को देख लेते हैं कि रेलिंग से क्यों कवर कर रखा है, क्या है यहाँ पर, फिर उसके बाद चलेंगे रोड के दूसरी तरफ। वाह, ये बनी है बावली, जहाँ से यहाँ पे पूरे पानी की व्यवस्था हुआ करती थी। यहाँ पे नीचे भी जाया जाता था, इसके लिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं यहाँ पे। ये देखो, क्योंकि पानी कभी कम ज़्यादा हुआ करता होगा उस हिसाब से सीढ़ी की व्यवस्था की गई है, और कभी सफाई भी करनी पड़ती होगी इसलिए भी ये सीढ़ी का इस्तेमाल हुआ करता था होगा। मतलब है तो थोड़ी रिस्की जगह है, इसीलिए इसको साइड रेलिंग से कवर कर रखा है, पर इसको मेन गेट को खुला छोड़ रखा है, इसलिए हम अंदर आके इसको देख पाए ना, तो ज़्यादातर जगह पे ये जगह लॉक्ड रहती हैं। ये एक रास्ता बना हुआ है, आगे कहाँ जा रहा है इसके बारे में कुछ लिखा नहीं है, अभी भी मैं आगे ही बढ़ रहा हूँ, बाहर की तरफ नहीं जा रहा हूँ। जैसे वो बावली देखने को मिल गई, वैसे ही मैं सोच रहा हूँ हो सकता है यहाँ पे भी कुछ नया देखने को मिल जाएगा, क्या पता, देख लेते हैं जब इतनी दूर आ गए हैं तो। ज़्यादा कुछ नहीं है वहाँ देखने के लिए, एक बरामदा बना हुआ है जो अभी आपने देखा, उसी टाइप का है सीन। हाँ, अगर आप फोटोग्राफी करने आ रहे हो तो इस कॉर्नर वाली लोकेशन में भी आ सकते हो, क्योंकि लोग नहीं है यहाँ पे, तो कोई डिस्टरबेंस भी नहीं है, आराम से आप फ़ोटोशूट कर सकते हो। तो जिन लोगों ने कल का ब्लॉग नहीं देखा था उनको मैं बता दूँ, कल हम गए थे, मतलब मैं गया था इस ऊँची पहाड़ी पर, जो कि गेट से एंटर करते राइट साइड में जो एरिया वहाँ पे है। अभी मैं यहाँ पे आ रहा था ना, इतनी दूर घूम लिया, जब इस साइड में एंटर किया मतलब गेट से लेफ्ट साइड में, तो गार्ड ने मुझे बोला यहाँ इस साइड में ना ज़्यादा देखने के लिए कुछ है नहीं,
तो वैसे तो पूरे किले में देखने वाला है क्या, वो तो जो लोग पसंद करते हैं किलों में घूमना वही समझ सकते हैं कि कहाँ पे क्या देखने लायक है क्या नहीं है। आप भी समझ गए होंगे इस बात को क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। इसमें मतलब मैं कोई गार्ड की कंप्लेंट नहीं कर रहा हूँ कि आप कहीं सोच रहे हो कि मैं कंप्लेंट कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि एक नज़रिया होता है हर किसी का हर जगह को देखने का देखने वाला। तो उस गार्ड ने मुझे ऐसा बताया खैर, पर मैंने कहा जब मैं इतनी दूर आया हूँ तो हर जगह को घूमने के बाद पता लगेगा कि कहाँ पे कुछ घूमने लायक है या नहीं है। सिक्योरिटी तो ठीक है यहाँ पे, ये देखो सामने गार्ड यहाँ पे यहाँ खड़ा है और ड्यूटी दे रहे हैं भाई साहब, तो सेफ्टी की कोई समस्या नहीं है। बस थोड़ा सा बंदरों से आपको बच के रहना पड़ेगा क्योंकि जंगल एरिया है, तो यहाँ पे तो रहना उनका हक है। बाकी जगह तो हमने बिल्डिंगें बना दी हैं तो वहाँ उनको मना कर सकते हैं रहने के लिए, पर इस जगह पे तो वो रह सकते हैं, तो थोड़ा सा बच के चलना होगा। तो अब चलते हैं दूसरे रोड के किनारे साइड वाले किले में, क्योंकि इसी रास्ते से मैं आया था तो यहाँ पे अब दिखाने के लिए तो अभी कुछ है नहीं, दोबारा से रिपीट करने का कोई फ़ायदा नहीं, ब्लॉग बड़ा हो जाएगा और फिर अगले शनिवार को भी दिखाना पड़ेगा। तो थोड़ा जल्दी जल्दी दिखा देता हूँ क्या है यहाँ पर, रोड के उस किनारे जाने लायक है कि नहीं है, अभी देख के आपको पता लग जाएगा। सायरन सुनाई दे रहा होगा शायद आपको, ये आसपास जो फैक्ट्री होती है या कुछ बड़े ऑफिशियल एरिया होते हैं वहाँ पे सायरन बजाया जाता है सवेरे और शाम। ये देखो बंदर क्या कर रहा है, सफाई चल रही है बच्चे की। और ये सामने मेहरौली बदरपुर रोड को क्रॉस करके फिर हम जाएंगे उस साइड वाले किले में। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि राजा महाराजा ऐसे पतले रास्ते से कैसे जाते होंगे, तो कल के ब्लॉग में मैंने बताया था इस किले में जाने के लिए 13 द्वार बने हुए थे, 13 दरवाजे, उसमें से ये एक रास्ता है जो कि हमारे लिए इजी है मेहरौली बदरपुर रोड से। बिल्कुल इस रोड से ही यहाँ पे गाड़ी बगल में पार्क करो या गोविंदपुरी मेट्रो से आओ और यहाँ से आप अंदर जा सकते हो टिकट लेके। थोड़ी सी ये बहुत अजीब सी बात है कि यहाँ पर कोई जेब्रा क्रॉसिंग नहीं है, दोनों सबसे बहुत ज़्यादा चलता हुआ ट्रैफिक है। इसी रोड के को क्रॉस करके आपको उधर जाना है उस किनारे। रोड तो क्रॉस हो गया क्योंकि अब हो गया शाम का टाइम, तो लोगों की ऑफिस से छुट्टी आती है तो सवेरे और शाम तो हर जगह पे जितनी भी कंट्री में घूमा हूँ हर जगह ट्रैफिक ऐसा ही रहता है, रोड भरी हुई रहती है, लोग थोड़ा सा जल्दी में रहते हैं। पर बहुत सारी जगहों पर मैंने देखा लोग सिस्टम में रहते हैं, यहाँ पर थोड़ी सी समस्या है, यहाँ पर कहीं से भी जगह मिल जाए गाड़ी बस चलती रहती है। अब आप इससे बुराई समझो या जो समझो, मतलब जो है वो बता रहा हूँ। तो अगर आपको बुरा लग रहा है और आप गाड़ी गलत चलाते हो तो कल से गाड़ी को थोड़ा सही लेन ड्राइविंग करें, आपको भी सहूलियत रहेगी और आपके अगल बगल वालों को भी। चलो अब चलते हैं इस किले के अंदर। अगल बगल में ये सारा जंगल ही है जैसा उस किले के बगल में भी आपने देखा था, सारा मैक्सिमम ग्रीन एरिया है जंगल। व्यू तो बहुत बढ़िया है यहाँ का, नज़ारा देख के, बाकी अंदर चल के देखेंगे क्या मिलता है देखने को। एक चीज़ बहुत अच्छी है गवर्नमेंट ने बना दिया यहाँ पे, यहाँ तो पानी भी खूब गिर रहा है, टॉयलेट बाथरूम के लिए व्यवस्था बड़ी। ओ और ये है इसका मेन गेट मेन एंट्री, और यहाँ पे तो लग चुका है ताला, इतनी जल्दी। अभी टाइम हुआ है
बज रहे हैं, 6:06, 18:06, और ताला लग गया, ये बिल्कुल बंद है। अच्छी तरह देख लिया मैंने, बस यही समस्या है। बाहर बोर्ड पे लिखा हुआ है सूर्योदय से सूर्यास्त तक, कोई टाइम नहीं लिखा है, पर फिर भी ताला बंद हो गया। अब इसको यहीं से कितना ही देखने को मिलेगा ये। अब इस जगह को अंदर से देखने आने के लिए आते जाते फिर इसके अंदर घूमेंगे, और उसके लिए से मैंने आपको ये होल दिखाए थे ना, इसके बारे में तो बता दिया था, सिक्योरिटी के लिए। ये यहाँ से जो सुरक्षाकर्मी होते थे, सिपाही होते थे, वो नज़र रखा करते थे बाहर, और लड़ाई वगैरह होने पे, युद्ध वगैरह होने पे यहाँ से गोली बंदूक तोप ये सब चलाई जाती थी। थोड़ा इसका इसके अगल बगल में घूम लेते हैं, जब आए गए हैं इतनी दूर तो कैसी जगह है। ये आकर फ्रेश होने के लिए जगह बनाई गई है, टॉयलेट बाथरूम वगैरह, पीने के पानी की समस्या है शायद। हाँ, पीने का पानी नहीं है, बाकी फ्रेश होना चाहो आप, वॉशरूम वगैरह जाना चाहो, उसके लिए तो पानी ओवरफ्लो के गिर रहा है टंकी से, तो अंदर भी हो गई होगा। किले के सारी तरफ नहीं, बस केवल इतनी दूर पे ये ऐसे चबूतरा बनाया गया है। रास्ता तो यहाँ से भी दिख रहा है थोड़ा आगे जाने का, तो उधर भी चल के देख लेते हैं कि बैक साइड में भी ऐसे ही है। चारों तरफ है ये रास्ता बना हुआ किले के, ये वैसे ही बना हुआ है सीढ़ी नुमा, जैसे कि पहाड़ों पर खेत होते हैं, क्योंकि ये जगह भी पहाड़ी है, तो सपोर्ट के लिए ये पहले चबूतरा बनाया गया होगा, उसके बाद ये दीवार बनाई गई होगी। तो ऐसे ऐसे करके आप एक पूरा राउंड तो घूम सकते हो किले का। तो यहाँ से चलते हैं वापस, क्योंकि अब इस किले पर दोबारा तो आना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी रखा है बंद, अंदर हम जा नहीं सकते, तो दोबारा जब आएंगे तो बाकी का पार्ट भी कवर कर लेंगे। तब तक के लिए इस ब्लॉग को करता हूँ यहाँ पे बंद, और फिर मिलेंगे अगले रविवार को सवेरे 8 बजे। तो जो लोग नए हैं वो मेरे ब्लॉग को सब्सक्राइब कर दें, और ये जो घंटी है ना, ये यहाँ पे टच नहीं करनी है, ये नीचे वीडियो के नीचे घंटी बनी है, सब्सक्राइब लिखा हुआ है, वहीं पर सब्सक्राइब को भी टच करना है, घंटी को भी टच करना है। इस वाली घंटी को टच करके कुछ नहीं होगा, ये बस मैंने बताया है कि ऐसी घंटी को नीचे बनी है उसको टच करना है। आप लोग कई बार इसी घंटी को टच करके काम ख़त्म कर देते हो, कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जो नीचे बना हुआ है, नीचे लिखा हुआ है सब्सक्राइब, उसी को प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे आपके जानने वाले लोग भी नई नई जगहों पर को देख सकें और घूमने का प्लान बना सकें। फिर मिलते हैं अगले शनिवार को 8 बजे, सवेरे 8 बजे।